यहाँ पर इस वीडियो में कुछ नया एंड इंटरेस्टिंग हाइपर ओएस एंड एमआईयूआई थीम के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखना एंड पसंद आए तो लाइक कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, प्लस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पर सभी थीम का जो है डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर जाके थीम स्टोर से सभी थीम को डाउनलोड करना होगा। यहाँ पर इस वीडियो में हम टॉप 5 हाइपरओएस थीम को शेयर करने वाले हैं एंड वन बाय वन सभी थीम को अप्लाई करते देखते किस तरह से यहाँ पर यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा। एंड थीम को अप्लाई करने के बाद आप जरूर से डिवाइस को रीस्टार्ट करना, तो थीम जो है सभी प्लेस के ऊपर अच्छे से अप्लाई हो जाएगा। सबसे पहले हमने जो है इस थीम को यहाँ पर जो है अप्लाई किया है एंड थीम को अप्लाई करने के बाद डिवाइस को जरूर से रीस्टार्ट करना। तो यहाँ पर थीम अप्लाई होने के बाद जो कुछ इस तरह से यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर सर्च बार के साथ चेंजेस है, यहाँ पर बैटरी आइकॉन, नेटवर्क आइकॉन, म्यूट आइकॉन एंड ब्लूटूथ आइकॉन के साथ चेंजेस देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पर जो विजेट्स है वेदर डेट एंड टाइम के साथ भी चेंजेस देखने को मिल गया है। यहाँ पर आइकॉन के साथ भी चेंजेस है, जितने भी आइकॉन है सभी जो है कम्प्लीटली यहाँ पर चेंज हो गया है। प्लस वॉलपेपर के साथ भी चेंजेस देखने को मिलता है। यहाँ पर वन यूआई जैसा आइकॉन देखने को मिल गया है, फाइल नोट्स कॉम्पस रिकॉर्डर क्लॉक कैलेंडर गैलरी एफएम रेडियो सेटिंग्स थीम डायलर मैसेज सभी आइकॉन जो है कम्प्लीटली यहाँ पर चेंज हो गया है, रीडिजाइन यूआई देखने को मिलेगा। डायलर की अगर बात करें यहाँ पर डायलर के साथ हमने कोई भी चेंजेस को नोटिस नहीं किया है एंड यहाँ पर मैसेजिंग एप्लीकेशन के साथ भी हमने कोई भी चेंजेस को नोटिस नहीं किया है। बाय द वे यहाँ पर हमने रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस के ऊपर एमआईयूआई 14 TRM MIUI U ROM को इंस्टॉल किया है। इस ROM का जो है डाउनलोड लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। एनीवे यहाँ पर जो सेटिंग्स मेनू है कम्प्लीटली चेंज हो गया है। सेटिंग्स मेनू के ऊपर जितने भी आइकॉन है सभी के साथ चेंजेस है, जैसे कि यहाँ पर वाईफाई आइकॉन, ब्लूटूथ आइकॉन, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, साउंड, वाइब्रेशन, नोटिफिकेशन, बैटरी आइकॉन सभी के साथ जो है चेंजेस देखने को मिल जाएगा। सेटिंग्स मेनू के ऊपर जितने भी आइकॉन है सभी के साथ चेंजेस है। प्लस कंट्रोल सेंटर के साथ भी चेंजेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर हॉटस्पॉट, फ्लोटिंग विंडो, डार्क मोड, यहाँ पर जो टॉर्च, ब्लूटूथ आइकॉन सभी जो आइकॉन है क्विक सेटिंग्स पैनल के ऊपर सभी के साथ चेंजेस है। इवन मोबाइल डेटा वाईफाई आइकॉन के साथ भी चेंजेस देखने को मिलेगा। अगर बात करें यहाँ पर वॉल्यूम पैनल के बारे में, तो कुछ इस तरह से वॉल्यूम पैनल के साथ यूआई है एंड पावर मेनू के साथ हमने कोई भी चेंजेस को नोटिस नहीं किया है। यहाँ पर स्विच स्टाइल के साथ भी हमने कोई भी चेंजेस को नोटिस नहीं किया है एंड पुराना वाला कंट्रोल सेंटर के साथ भी चेंजेस देखने को मिलेगा। देख सकते हो कंट्रोल सेंटर के ऊपर कम्प्लीटली रीडिजाइन यूआई देखने को मिलता है। जितने भी आइकॉन है सभी जो है यहाँ पर चेंज हो गया है। अगर बात करें लॉक स्क्रीन के बारे में, तो कुछ इस तरह से लॉक स्क्रीन यूआई देखने को मिलता है। काफ़ी बढ़िया मिनिमल लॉक स्क्रीन यूआई है। यहाँ पर कैमरा टॉर्च का ऑप्शन है एंड डेट टाइम वेदर का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। अगर आपको मिनिमल लॉक स्क्रीन यूआई पसंद है तो इस थीम को जरूर से ट्राई करके देखो। एनीवे अभी फिलहाल बात कर लेते हैं पर नेक्स्ट थीम के बारे में। नेक्स्ट थीम को सिंपली यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो ये जो थीम है इस थीम को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर ये जो थीम है इस थीम को हम अप्लाई कर रहे हैं। थीम को अप्लाई करने के बाद फोन को एक बार जरूर से रीस्टार्ट करना होगा। तो थीम जो है यहाँ पर अप्लाई हो गया है एंड यहाँ पर इस थीम के साथ जो कुछ इस तरह से यूआई देखने को मिलता है काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर आइकॉन के साथ जो है चेंजेस देखने को मिलेगा। जितने भी आइकॉन है सभी के साथ चेंजेस देखने को मिल गया है। यहाँ पर डायलर मैसेज थीम सेटिंग्स नोट कैमरा कैलकुलेटर गैलरी एफएम रेडियो यहाँ पर वेदर कैलेंडर क्लॉक रिकॉर्डर स्कैनर सभी आइकॉन के साथ चेंजेस देखने को मिलेगा। प्लस विजेट्स के साथ क्लॉक विजेट्स के साथ चेंजेस देखने को मिलता है। यहाँ पर जो सर्च बार है उसके साथ भी चेंजेस देखने को मिल गया है। बैटरी आइकॉन ब्लूटूथ आइकॉन के साथ चेंजेस है। यहाँ पर MIUI 11 कंट्रोल सेंटर के साथ जो कुछ इस तरह से यहाँ पर यूआई देखने को मिलता है काफ़ी सही है। अगर बात करें पर वॉल्यूम पैनल के बारे में, तो यहाँ पर वॉल्यूम पैनल भी कम्प्लीटली यहाँ पर चेंज हो गया है। काफ़ी डिफरेंट एंड काफ़ी यूनिक यहाँ पर वॉल्यूम पैनल देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस थीम के साथ जो है आइकॉन पैक कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताना। वॉल्यूम पैनल के साथ भी यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलता है जो कि काफ़ी सही है। डायलर की अगर बात करें, डायलर भी चेंज हो गया है। डायलर पैड के साथ चेंजेस देखने को मिलता है। आइकॉन के साथ चेंजेस से मैसेजिंग एप्लीकेशन के साथ भी यहाँ पर चेंजेस देखने को मिल गया है। इवन सेटिंग्स मेनू के साथ कुछ इस तरह से यूआई है। सेटिंग्स मेनू के साथ हमने चेंजेस को नोटिस नहीं किया है एंड नया वाला कंट्रोल सेंटर के साथ जो है चेंजेस देखने को मिलेगा। देख सकते हो जितने भी आइकॉन है सभी के साथ चेंजेस है। वाईफाई आइकॉन, ब्लूटूथ आइकॉन यहाँ पर जो है सभी आइकॉन के साथ जो है चेंजेस देखने को मिल जाएगा।
लॉक स्क्रीन की अगर बात करें, कुछ इस तरह से लॉक स्क्रीन यूआई देखने को मिलता है, बाय डिफॉल्ट लॉक स्क्रीन यूआई देखने को मिल जाएगा। तो इस थीम को भी ट्राई करके देख सकते हो। बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट थीम के बारे में। तो यहाँ पर ये जो थीम है यहाँ पर अप्लाई हो गया है। इस थीम के साथ जो है सरसवर के साथ चेंजेस है, बैटरी बार, ब्लूटूथ आइकॉन, नेटवर्क आइकॉन के साथ जो है चेंजेस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इस थीम के साथ जो कुछ इस तरह से यहाँ पर वॉलपेपर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस थीम के साथ जो कुछ इस तरह से आइकॉन पैक देखने को मिलता है, काफी डिफरेंट एंड काफी यूनिक आइकॉन पैक देखने को मिल जाएगा। प्लस यहाँ पर क्लॉक विजेट्स को ऐड किया गया है, वेदर विजेट्स का ऑप्शन है, कुछ इस तरह से यहाँ पर यूआई देखने को मिलता है, काफी सही है। एंड आइकॉन पैक भी काफी बढ़िया देखने को मिल जाएगा। जितने भी सिस्टम एप्लीकेशन है सभी के साथ आइकॉन के साथ चेंजेस है, स्कैनर, रिकॉर्डर, क्लॉक, कैलेंडर, वेदर, नोट्स, सेटिंग्स, डायलर, सभी के साथ चेंजेस देखने को मिलता है। एंड कंट्रोल सेंटर जो है कम्प्लीटली चेंज हो गया है, देख सकते हो। पर कंट्रोल सेंटर के ऊपर जो आइकॉन के साथ चेंजेस है, यहाँ पर हाइपर ओएस एंड एमआईयूआई 12, एमआईयूआई 13, एमआईयूआई 14 के साथ भी काम कर जाएगा। तो कंट्रोल सेंटर के साथ जो है चेंजेस देखने को मिलेगा। अगर बात करें यहाँ पर डायलर के बारे में, तो यहाँ पर डायलर के साथ भी चेंजेस है। तो यहाँ पर जो डार्क मोड ही इसे एनेबल करते हैं, तो यहाँ पर डार्क मोड के साथ भी देख सकते हो काफी सही तरीके से काम करता है। तो ये जो थीम है डार्क मोड के साथ ही बढ़िया है। तो यहाँ पर डायलर पैड के साथ जो है चेंजेस देखने को मिलता है। प्लस जो मैसेजिंग एप्लीकेशन है उसके साथ भी यहाँ पर चेंजेस देखने को मिल जाएगा, काफी बढ़िया यूआई है। यहाँ पर जो वॉल्यूम पैनल है, वॉल्यूम पैनल के साथ भी यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलता है। इवन जो सेटिंग्स मेनू है इसके साथ भी चेंजेस है। सेटिंग्स मेनू के ऊपर जितने भी आइकॉन है कंप्लीटली यहाँ पर चेंज हो गया है। तो सेटिंग्स मेनू के साथ भी यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलता है, काफी सही है। स्विच स्टाइल के साथ भी चेंजेस है। एंड पुराना वाला जो कंट्रोल सेंटर है उसके साथ भी चेंजेस देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो कुछ इस तरह से आइकॉन के साथ जो है कंट्रोल सेंटर के ऊपर यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलेगा। एनीवे बात कर लेते हैं पर जो है नेक्स्ट थीम के बारे में। तो यहाँ पर इस थीम के साथ भी काफी सही डार्क मोड देखने को मिलेगा। तो थीम का प्ले करने के बाद फोन को एक बार रीस्टार्ट करना है, एमआईयूआई थीम का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अलग अलग थीम का जो रिव्यू है उसे भी चेकआउट करके देख सकते हो। तो ये जो थीम है यहाँ पर अप्लाई हो गया है। तो यहाँ पर इस थीम के साथ जो कुछ इस तरह से यूआई देखने को मिलेगा, काफी बढ़िया है, काफी जो है यहाँ पर यूनिक आइकॉन देखने को मिलता है, देख सकते हो यहाँ पर काफी यूनिक आइकॉन है। एंड एमोलेड डिस्प्ले के साथ जो है काफी सही देखने को मिल रहा है, देख सकते हो सभी जो आइकॉन है कम्प्लीटली चेंज हो गया है। सरसवर के साथ भी यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलेगा, आइकॉन के साथ चेंजेस है। यहाँ पर जो डायलर है डायलर के साथ भी यहाँ पर चेंजेस देखने को मिल जाएगा। प्लस मैसेजिंग एप्लीकेशन के साथ भी चेंजेस देखने को मिलेगा। इवन जो सेटिंग्स मेनू के साथ भी यहाँ पर कुछ इस तरह से चेंजेस देखने को मिलते हैं, काफ़ी यूनिक एंड काफ़ी डिफरेंट थीम देखने को मिल जाएगा। कंट्रोल सेंटर के साथ भी यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलता है। प्लस लॉक स्क्रीन की अगर बात करें, कुछ इस तरह से लॉक स्क्रीन के साथ जो है एनिमेशन देखने को मिलेगा। प्लस वेदर विजेट्स का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। बात कर लेते हैं पर नेक्स्ट थीम के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो थीम है इस थीम को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर थीम जो है अप्लाई हो गया है। एंड इस थीम के साथ जो है सरसवर के साथ चेंजेस देखने को मिल जाएगा। एंड कुछ इस तरह से कंट्रोल सेंटर के साथ जो है यूआई देखने को मिलेगा। बाकी आइकॉन की अगर बात करें, कुछ इस तरह से आइकॉन देखने को मिलते हैं, काफ़ी डिफरेंट आइकॉन है। एंड यहाँ पर लॉक स्क्रीन की अगर बात करें, कुछ इस तरह से लॉक स्क्रीन यूआई देखने को मिल गया है। तो सभी थीम को ट्राई करके देखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर।